लोकेश एक कार्टूनिस्ट है बहुत बेहतरीन, और देखिए हमने कॉन्सेप्ट दिया था उनको किंग मेकर काशीराम। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ काशीराम जी हैं, एक बच्चे को गोद में बिठा रखा है और उसके सर पे ताज पहना दिया है और उसके हाथ में बाबा साहेब है। बेहतरीन, एक नंबर कॉन्सेप्ट बनाया उन्होंने। कैसे हो सम्राटू? आपको पता है हमारे रिश्तेदार हमारे घर नहीं आते अब, क्योंकि वो हमारे डेली ब्लॉग देख लेते हैं, सारे अपडेट मिल जाते हैं। गेट जो चेंज हो चुका है और पापा फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जब घर में कुछ चीज़ नई लगती है ना, तो थोड़ी सी खुशी तो कुछ दिन तो रहती है, भले नई पुताई क्यों ना करवा लो आप। आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है? मारो मारो मारो, अरे मारो मारो, अरे तेरी तो मारो मारो। शानदार लग रहा है यार, बेहतरीन, एक नंबर लग रहा है, क्या बोलते हो? ये देख रहे हो आप, ये चटक गए, ये भी चटक गया है, और यही कारण था इस गेट को चेंज करवाने का। क्या है कि बच्चे जो हैं बड़े हो गए हैं और वो लोग बहुत मस्ती करते हैं, और वो लोग बार बार गेट को है ना बंद करते हैं खोलते हैं, तो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पिलर जो है वो चटक जाए और गेट कहीं उन पर ना गिरे। और आपको पता है दोनों गेटों का वजन कुल मिला के कितना हुआ? लगभग 800 किलो। दो बजे बोला था कि 5 मिनट में आ रहा हूँ। और अंकित कैसे हो? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। ये जो टी शर्ट आपको दिख रही है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का कॉटन है, मतलब अगर आप पहनते हो ना तो आपको 1% भी नहीं चुभेगी। और इस पे जो फेवरेट हमारा स्लोगन, जय भीम, गजब ही का लुक है इसका। और ये टी शर्ट जो है ना, मैं चंद्रशेखर भाई को भेज रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है उन पर है ना बहुत सूट करेगी जय भीम। कॉटन अच्छा है इसका ना, कॉटन भी अच्छा है और ये डिजाइन भी अच्छा लग रहा है। ये कलर जो है ना डार्क ब्लू, ये अच्छा लग रहा है, ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। वहाँ देखिए हमारा जो संविधान है ना वो खत्म हो गया, मतलब कुछ समय ही लगता है और तुरंत खत्म हो जाते हैं। वेबसाइट पे अगर कोई चीज सबसे ज्यादा सेल होती है ना, तो वो है बाबा साहब का भारत का संविधान, बहुत शानदार है। और यहाँ पूरा गोल्डन से वो बना हुआ, ऐसा लगता है कि गोल्ड की है ना प्लेटें रखी हुई हैं। देख रहे हो क्या चमक रहा है। ठीक है अंकित, प्रमोशन कर दिया मैंने किताबों का, तो प्रमोशन यहाँ ख़त्म करते हैं। और है ना हम है ना मतलब मैं है? तो ये बोले सिग्नेचर का भी कर दो। कहाँ है सिग्नेचर? यहाँ देखिए, ये बाबा साहब के सिग्नेचर हैं, इनको आप अपने कोट शर्ट किसी भी वाइट कलर ब्लू कलर के कपड़ों पर इनको लगा सकते हैं। ये है ना प्योर ब्रास का है और है ना बहुत है ये, मतलब लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा और बहुत अच्छी हैवी क्वालिटी का है। और आप है ना इसको हमारी वेबसाइट tathagat.live पर जाकर खरीद सकते हैं। तो आज के लिए प्रमोशन यही ख़त्म करते हैं। और दूसरा ये बोल रहा था कि हम भी है ना मुझे निकलना है नागपुर के लिए, और बहुत सारे काम थे वो आज पूरे पेंडिंग मैंने ख़त्म किए। सबसे बड़ी हेडेक वाला जो काम था ना वो हमारा ये कंप्यूटर था, सही नहीं हो रहा था, सही नहीं हो रहा था। जैसे जैसे ये सही हो गया है, अब संभाल लेना 10 दिन 10-12 दिन जब तक मैं नहीं आता हूँ। ठीक है अंकित, और है ना ये छोटा ट्रिप है, उसके बाद बड़ा ट्रिप है, और उस बड़े ट्रिप में भी इतना ही टाइम लगेगा, और उसके बाद और भी बड़ा ट्रिप है। तो ये ऐसे करके है ना फिर मैं 1 साल के लिए गायब हो जाऊंगा। एक किताब और मिली जो हमारे पास ऑलरेडी बहुत टाइम से है, लेकिन अभी तक हमने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाली। और ये किताब में ना नागपुर में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो बाबा साहब के पैरों के पास जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इन्होंने इस किताब को मराठी में लिखा था और उसको बाद इसे हिंदी में कन्वर्ट किया गया। मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार चीज़ है। मैं एक पल को सोचने लग गया कि किसका गेट खोल रहा हूँ, आदत नहीं है ना। कॉर्पस सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि आखिर वो पूरी किताब पढ़ूंगा, लेकिन धोखा मिला मुझे, धोखा धोखा धोखा। मैंने अपने मोबाइल से है ना फाइल एडिट की, और है ना वो पूरी की पूरी एडिट होने के बाद उसने धोखा दे दिया, वो चालू ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद मैंने इसको क्लाउड से है ना आईपैड पे चालू करने की कोशिश की, वहाँ भी धोखा हुआ, वो भी कुछ ना कुछ एरर दिखा रहा था। और आखिरी में जाके मुझे वापस से वहीं आना पड़ा जो मेरा कर्ता धरता, मेरा लैपटॉप
इसने मेरा साथ दिया। और ऐसा करते करते अभी रात के 12:20 हो रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब इंसान सोचता कुछ और है, हो कुछ और जाता। और ये बहुत बेहतरीन काम हो गया है क्योंकि अब मुझे ये एहसास हो गया है कि नागपुर में लैपटॉप लेकर जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है ना हमको डेली ब्लॉग शूट करना है और डेली अपलोड करना है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कम से कम हमारे पास बैकअप तो होगा। मुझे नागपुर जाने से पहले सीए की रिपोर्ट बना के देनी थी, मुझे एक नई टी शर्ट लॉन्च करनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि आज रात भर बैठ के ना मुझे यही काम करना पड़ेगा। लोकेश एक कार्टूनिस्ट है बहुत बेहतरीन, और देखिए हमने कॉन्सेप्ट दिया था उनको किंग मेकर काशीराम। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ काशीराम जी हैं, एक बच्चे को गोद में बिठा रखा है और उसके सर पे ताज पहना दिया है और उसके हाथ में बाबा साहेब है। बेहतरीन, एक नंबर कॉन्सेप्ट बनाया है उन्होंने। बट टी शर्ट पे है ना इतनी बड़ी फोटो हम अगर लगाएंगे ना तो वो इतनी अच्छे से डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना एक सिंगल चीज होनी चाहिए टी शर्ट पे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन 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 एक और बेहतरीन चीज बनाई और हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आप जब तक इस वीडियो को देख रहे होंगे ये टी शर्ट हमारी वेबसाइट पे आ चुकी होगी। देखिए किंग मेकर काशीराम, क्या बात है। इसलिए बोल रहा था कि आज मुझे रात भर बैठना पड़ेगा, ये सारा डिज़ाइन जो है वो एक टी शर्ट पर लगाकर देखना पड़ेगा, वेबसाइट अपडेट करनी पड़ेगी और बहुत सारा काम है, सीए की रिपोर्ट भी बनानी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे मालूम है वीडियो छोटा था, आई एम सॉरी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। कल मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग। आयना और अरन दोनों ही सो चुके हैं, रात के 3:18 हो रहे हैं और मेरा मन नहीं माना, मैंने किताब पढ़ना स्टार्ट की। और पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा साहब ने नागपुर में जब बुद्धिज़्म अपनाया ना तो ये व्यक्ति वहाँ उनको मिले होंगे, इन्होंने सारी चीज़ें देखी होंगी अपनी आँखों से और उन्होंने एक किताब लिख दी मराठी में, जिसको बाद में हिंदी में कन्वर्ट किया गया। लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ अनोखा और कुछ उलट था, और कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिली ना, होश उड़ा दिया मेरी। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा साहब को मनाया कि वो बुद्धिज़्म की दीक्षा नागपुर में लें, और बाबा साहब के साथ इनके बहुत सारे कन्वर्सेशन है जो इस किताब में, मैं आपको सिर्फ एक या दो बताने वाला हूँ, बाकी आप खुद पढ़िएगा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाबा साहब पेंटिंग भी करते थे। एक बार जब वामन राव जी जब बाबा साहब के पास गए ना तो बाबा साहब पेंटिंग कर रहे थे, तब ये बोलते हैं बाबा साहब से, ये क्या नया शौक पाल लिया आपने। बाबा साहब ने ना एक किताब उठाई और उनको दिखाई, उसमें बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई थी, और वहीं पर है ना बाबा साहब ने एक बुद्ध की पेंटिंग बनाई थी। ये पेंटिंग बाबा साहब के द्वारा बनाई गई, इनमें बुद्ध की आँखें ना जो खुली हुई हैं, और ये तस्वीर आज भी इस जगह पर रखी हुई है, चिचोली शांतिवन में रखी हुई है। जब बाबा साहब ने बुद्धिज़्म अपनाया ना तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएँ लोगों को दी थी, और इसका कुछ अलग प्लान था। बाबा साहब चाहते थे जितने भी लोग वहाँ पर आए हैं ना उनके हाथ में एक फोल्डर हो कागज का जिसमें 22 प्रतिज्ञाएं लिखी और उन्हें पढ़कर वो लोग प्रतिज्ञाएं लें। लेकिन ये प्लान एंड मौके पर कैंसिल हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप प्रिंटिंग नॉट रिक्वायर्ड। ये सारी चीजें जो हैं वो बाबा साहब चाहते थे कि बहुत भिक्षु लोगों को वो 22 प्रतिज्ञाएं दें, लेकिन बाद में प्लान चेंज हुआ और बाबा साहब ने खुद वो 22 प्रतिज्ञाएं लोगों को ग्रहण कराई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस किताब में लिखा है। मैंने अभी सिर्फ ना 30% किताब पढ़ी है और मज़ा आ गया मुझे तो मैं इस किताब को और भी पढ़ने वाला हूँ। अगर आप भी चाहते हो पढ़ना तो ये किताब आपको पता है ना कहाँ मिलेगी, तथागत.live पर। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग।